चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी उपाय दिए गए हैं। इस नीति का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर पहलू के बारे में मुख्य शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीति की बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठाया। आइए जान लेते हैं चाणक्य की कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण नीतियाँ जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं जरूर काम में आएंगी। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सुबह उठने के बाद यह काम नहीं करिए वरना आपके सभी काम बिगड़ते रहेंगे। कहते हैं शुरुआत अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा होता है और यदि शुरुआत खराब हो तो अंत भी खराब रहता है। दोस्तों, सीधी सी लगने वाली इस बात में आपके जीवन की सफलता का राज छिपा हुआ है। आपका दिन कैसा गुजरेगा यह आपके दिन की शुरुआत पर बहुत हद तक निर्भर करता है। आज हम आपको तीन ऐसे ही काम बताएंगे जो आपको सुबह उठते ही नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से आपका दिन तो खराब जाएगा ही और यदि आप ऐसा रोजाना करते हैं तो आपका दुर्भाग्य भी आपको निमंत्रण देने लगता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से आपके सभी काम बिगड़ने लगते हैं और बनने वाले काम भी बिगड़ते चले जाते हैं। बेवजह की परेशानी आपके जीवन में आएंगी और आप अपने लक्ष्य को हासिल करने में परेशानी झेलेंगे। इसका नतीजा यह होगा आपको पारिवारिक कलह, दुख, आर्थिक परेशानी, धन की हानि सभी झेलने पड़ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे बटन में जरूर दबा दें। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो सुबह उठते ही सबसे पहले आईने में अपना चेहरा देखते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो किसी को अपने लिए शुभ मानते हैं और आँख खुलते ही सबसे पहले उसी की तस्वीर या उसी का चेहरा देखते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सुबह उठते ही अपना चेहरा आईने में नहीं देखना चाहिए और किसी और का चेहरा भी नहीं देखना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह सबसे पहले भगवान का ध्यान करते हुए आँखों को खोलना चाहिए और अपनी दोनों हथेलियों को देखना चाहिए। इससे आपके अंदर पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और आपके सभी कार्य ध्यानपूर्वक और सफलतापूर्वक आप कर पाते हैं। सुबह उठते ही शंख की आवाज़, घंटी की आवाज़ या फिर गायत्री मंत्र की आवाज़ सुननी चाहिए। क्या आप इन सभी की आवाज़ सुनते हैं? यदि आप इन सभी की आवाज़ नहीं सुन सकते तो आप इनको रिकॉर्ड करके भी रोजाना सुबह सुन सकते हैं और आप अपने कमरे में कमल या फिर सुंदर प्राकृतिक दृश्य जरूर लगाएं या फिर एक सुंदर से मोर का दृश्य जरूर लगाएं। आइए हम आपको बताते हैं आगे तीन ऐसे काम जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है खासकर पुरुषों की आंख खुलते ही सबसे पहले वे अखबार उठाते हैं या समाचार चैनल देखते हैं। अखबार को खबरों का घर माना जाता है। अखबार में वही खबरें होती हैं जो ज्यादातर सेंसेशन बन चुकी होती हैं। इन खबरों में बहुत हद तक नकारात्मकता का वास बना होता है, इसलिए सुबह उठकर सबसे पहले न्यूज़ देखना, अखबार पढ़ना आपके दिमाग में नकारात्मकता भर सकता है। इन खबरों से आपका दिमाग भी खराब होता है और रात भर की पूरी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। कि सुबह उठते ही किसी हिंसक पशु की तस्वीर ना देखें और ऐसी तस्वीर अपने घर में भी ना लगाएं जिसमें हिंसक जानवर हो, ना ही लड़ाई झगड़ा करते हुए किसी व्यक्ति को देखना चाहिए। यह आपके शुभ ग्रह की स्थिति को खराब करता है। इससे आपका दिमाग बेकार की बातों में दिन भर उलझा रहता है। बहुत से लोगों को बेड टी की आदत होती है, यानी कि बिना ब्रश किए सुबह उठकर बेड पलंग पर चाय पीना। ऐसा करने से आपके राहु की स्थिति खराब होती चली जाती है। ऐसा करने से आपका जीवन बेकार की परेशानियों में गिर जाता है और सभी काम बिगड़ने लगते हैं। इसलिए सुबह उठने के पश्चात सबसे पहले ब्रश करें। यदि ब्रश करना संभव ना हो तो सादा पानी से कुल्ला अवश्य करें, उसके बाद ही चाय पिए। तो दोस्तों, ये तीन ऐसी बातें थी जो सुबह उठने के बाद भूल से भी ना करें। ऐसा करने से आप किसी न किसी परेशानी में घिरे रहेंगे और आप अपनी मुसीबत को खुद ही दावत देंगे। तो यदि आपको इन तीन बातों से आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन पर जरूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही।
धन्यवाद।